प्रणाम आदरणीय चचा जी, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। आपसे गुजारिश करते हैं कि राजनीति करते हुए अपने स्तर को इतना नीचे न गिराएं कि हम लोगों नौजवानों की नज़र में आपके प्रति सम्मान घट जाए। आप चुनाव लड़िए, आप स्वतंत्र हैं, आप जो किए हम बिल्कुल स्वागत करते हैं। आप जो हमारे साथ किए या व्यक्तिगत स्वार्थ में आप जो समाज के साथ किए, हम उसको हृदय से स्वीकार करते हैं, लेकिन अपने स्तर को इतना नीचे नहीं गिराइए कि झूठा अफवाह फैलाइए। आप कभी लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, सैकड़ों कॉल मेरे पास आए हैं कि क्या आप फलाने जी को समर्थन कर रहे हैं, क्या आप चुनाव वापस ले रहे हैं, चुनाव लड़ने की घोषणा वापस कर रहे हैं, क्या आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। कोई कह रहा है कि खेत बेच दिए, कोई कह रहा है कुछ कर दिए। आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आपको जहां जाना है जाइए, आप जिस दल में आपको जाना है वहां जाइए। आप नदी में जाइए, आप नाले में डुबकी लगाइए, आप नाली में कूद जाइए या बखोर में जाकर ढनक जाइए। समाज को पीछे पीछे मत ढनकाइए, समाज ढनकेगा भी नहीं, कहां कहां जाएगा आपके पीछे पीछे। आपका तो कुछ अपना है नहीं कि आपको जहां जैसे आपको जैसे जहां भी जहां आपको लगेगा कि भाई जाना है। आप तो कहते हैं कि हम विचारधारा की राजनीति करते हैं, विचार बचा कहां, पूरे विचार का तो अचार लगा दिया आप, अच्छा पे धूप में सुखा रहे हैं अचार लगा के। आपकी विचारधारा यही कहती है कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के तस्वीर पर थूक कर, उस पर जूता चप्पल मारकर वीडियो वायरल करने वाले पार्टी के सिंबल पर आप चुनाव लड़ेंगे। आपकी विचारधारा यह कहती है कि जिस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ये नारा लगाते हैं कि सवर्ण समाज विदेशी है, उसका डीएनए यूरेसी है, भारत के सवर्णों भारत छोड़ो, और आपको क्या लगता है कि उस पार्टी के सिंबल पर आज के नौजवान बटन दबाएंगे? उस सिंबल पर बटन दबाते हुए ऐसा लगता है जैसे हम अपने बच्चों का गला दबा रहे हैं। जिस पार्टी का उद्देश्य ही है कि भारत से सवर्णों को भगा देना है, जिस पार्टी का उद्देश्य है कि इस देश से धर्म सनातन राम और परशुराम और देवी देवताओं के नाम को समाप्त कर देना, मिटा देना है, हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन आपके व्यक्तिगत स्वार्थ में हमें नहीं लगता है कि आपके समाज का है 4-5% लोग भी वैसे पार्टी को। हाँ, कुछ लोग हैं जिनको आप खरीद सकते हैं, कुछ लोग हैं जो भले पंचायत में लोग नहीं चिंता हो लेकिन वो खुद में वो आशुतोष कुमार से कई गुना ऊपर का नेता बुझते हैं, जिनको ये ईर्ष्या है, जिनको ये जलन है कि कल का एक लड़का साधारण परिवार का ये सांसद कैसे बन जाएगा। तो भैया, जनता ने तय करती है, ये नेताजी को तय करने से क्या होगा, ये चंद ठेकेदार लोग को तय करने से क्या होगा जिन्होंने ठेकेदारी ले रखी है आपकी कि हम वोट दिलवाएंगे। 2000 रुपये मूड़ी और हाथ गोड़ फ्री वाला जो सिस्टम गाड़ी भेजकर जो किया गया नॉमिनेशन में, ये वोट में कितना तब्दील होगा। बहुत ज्यादा समर्थन होता तो मंच से पूछ दिए होते ना कि इसमें कितने ऐसे लोग हैं जिनको बुलाने के लिए गाड़ी घोड़ा भेजा गया है, जिनको डीजल पेट्रोल के लिए पैसा दिया गया है, जिनको आने के लिए कुछ खर्चा वर्चा दिया गया है, ऐसा नहीं पूछ सकते आप। लेकिन आप पता कीजिएगा कि हजारों की संख्या में हमारे यहाँ लोग आए थे और हमने पूछा था मंच से कि जितने भी लोग आए हुए हैं इसमें किसी को गाड़ी घोड़ा नहीं भेजा गया है। ये होता है समर्थन, दिल से समर्थन, और एक होता है जबरन प्रलोभन देकर समर्थन। तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है आपके लोग
जो आपको पकड़कर जबरन लेकर आए, हमको पता है आप नहीं लड़ना चाहते थे चाचा जी, आप जहानाबाद तो आना ही नहीं चाहते थे, आप तो एक साल से नवादा में तैयारी कर रहे थे, नवादा टिकट नहीं मिला तो आप प्रयास करने लगे महाराजगंज के लिए, आप जहानाबाद आना ही नहीं चाहते थे हमको पता है। हालांकि वो जहानाबाद आप नहीं आना चाहते थे जिस जहानाबाद ने दो दो बार आपको संसद भवन भेजा है, अब तो पिछली बार भी जहानाबाद छोड़कर नवादा तैयारी कर रहे थे। और जब हम यहाँ पर 70-80 गांव का दौरा किए तो अपना नॉमिनेशन का डेट फाइनल हुआ उसको छोड़कर और आप जहानाबाद आ गए, और आपने कहा क्या कि अरवल मोड़ पर सल्फास की गोली लेकर लोग बैठे थे कि आप जहानाबाद से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम सल्फास की गोली खा लेंगे। बताइए भैया, जिसके लिए सल्फास की गोली जहानाबाद के लोग खाने को तैयार हैं उनको नोटा के बराबर वोट मिला है। तो हमको तो पता है कि आपको नाचने के लिए बुलाया गया है, आपको केवल इसलिए बुलाया गया है कि किसी भी तरीके से आशुतोष कुमार चुनाव हार जाए। लेकिन जब जनता ने मूड बना लिया है, जब जनता ने तय कर लिया है, तो आपके और आपके उन दो चार चाटुकारों के चाहने से क्या हो जाएगा। आप तो पूरी कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह हमारा नामांकन रद्द हो जाए, आप तो बहुत तरह का प्रयास कर रहे हैं, आप तो प्रलोभन भी दिलवाए हमको। जरूरत पड़ेगी तो ऑडियो मेरे पास है, जिस ऑडियो में जो आपके पैरोकार थे, जो आपके पैरवीकार थे, जो महाराजगंज से आपके आपको टिकट दिलाने के लिए पैरवी कर रहे थे, उन्हीं से आशीर्वाद दिलाने की बात हो रही थी और करोड़ों रुपए दिलाकर जहानाबाद छोड़कर पाटलिपुत्र जाने की बात कही जा रही थी। ये पैरवी आपके कहने पर ही हो रहा था। तो इंदुभूषण जी की तरह हमारा राजनीतिक हत्या करना चाह रहे थे आप लोग, संभव नहीं है। ये अभिमन्यु द्वापर वाला अभिमन्यु की तरह गलती नहीं करेगा, ये कलियुग का अभिमन्यु है, सारे चक्रव्यूह तोड़ेगा। जितने चक्रव्यूह आप लोग रचेंगे सब चक्रव्यूह तोड़ेंगे, सबका भेद रखे हुए, सबका भेद जानते हैं, समय आने पर माकूल और ठोस जवाब दिया जाएगा। और चिंता करने की विषय नहीं है, ज्यादा चिंता नहीं करना है, बीपी और डायबिटीज नहीं बढ़ाना है, जहानाबाद में रहना है हमको। और आपने ये अच्छा किया है कि जहानाबाद मेरा ठिकाना बना दिया। पहले तो क्या दिमाग में होता नहीं होता कोई ठीक नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से आप टांग खींचने आए हैं ना, हम अंगद की तरह जहानाबाद में अपना पैर जमा दिए हैं। और जितने लोग आपका ठेका लिए हुए हैं वो भी सुन लीजिए, जब तक सांस चल रहा है इस जहानाबाद में रहेंगे, हर घर के सुख दुख में, हर व्यक्ति के सुख दुख में पहुंचेंगे, आखिरी सांस तक जब तक कदम चलता रहेगा जहानाबाद सोन से लेकर फल्गु तक, हर न्योता पिहानी हर सुख दुख में आशुतोष कुमार दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। साथियों से अपील है, अस्तित्व की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है, चंद ठेकेदारों से बचिए, पैसा खाकर दलाली कर रहे लोगों से बचिए, पैसा मिल रहा है तो रख लीजिए, आप ही लोग का कमाया हुआ है, खेत बेचकर कोई नहीं ला रहा है, सब आप लोग से कमाया हुआ है, पैसा मिल जाए तो रख लीजिए। लेकिन ये विचार कीजिए कैसा सांसद चुनना चाहते हैं, जो 2018-19 में कानून बन रहा था और माननीय संसद भवन में बैठकर आपके खिलाफ कानून बन रहा था, SC ST एक्ट पर अध्यादेश लाया जा रहा था और माननीय ताली बजा रहे थे बैठकर, एक वोट तो दे सकते थे। और क्या आपको यह नहीं लगता कि आशुतोष अगर उस समय संसद में होता तो एक कुर्सी तो संसद का तोड़िए देता, एक वोट तो जरूर वहां पर विरोध में पड़ता। ये देश को पता लगना चाहिए था कि कोई एक माई का लाल जो जिंदा है, मुर्दा नहीं, जो जिंदा है, जो संसद भवन में है, एक जिंदा व्यक्ति को पहुंचाइए। गूंगे लोगों को वोट दीजिएगा तो आने वाली पीढ़ियां गूंगा हो जाएंगी, बोल नहीं पाएंगी, व्यक्तिगत स्वार्थ में
खुद का टिकट, बेटे का टिकट, पुतों का टिकट, इससे आगे जब कुछ दिखता नहीं है तो बड़ी समस्या होती है। मैदान में उतरे हैं, भरपूर समर्थन मिल रहा है, खास करके नॉन पॉलिटिकल लोग, बिल्कुल जिनको राजनीति से लेना देना नहीं है, वो एकदम हृदय खोलकर स्वागत कर रहे हैं। और हम उम्मीद नहीं किए थे कि जहानाबाद में हमको इस प्रकार से अपने घर में समर्थन मिलेगा, स्नेह मिलेगा। ये जो समर्थन और स्नेह आप लोग दे रहे हैं, हमको ऋणी बनाते जा रहे हैं। और जहानाबाद रहकर अस्थाई यहां डेरा डालकर आपका ऋण चुकता करता रहेगा आशुतोष कुमार। धन्यवाद, नमस्कार।